सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के ठगी मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट ने राहत देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है, वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर ने बीते दिनों नोरा के खिलाफ चिट्ठियों के जरिए जमकर जहर उगला है। सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाने के साथ ही निक्की तंबोली और चाहत खन्ना के नामों का भी जिक्र किया था। सुकेश के मुताबिक ये दोनों एक्ट्रेस उससे केवल प्रोफेशनल कामों के लिए ही जुड़ी हुई थीं। हालांकि चाहत खन्ना ने हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में सुकेश और अपने रिश्तों की एकदम उलट तस्वीर बयान की है, जिसके बाद दिए गए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने सुकेश के खिलाफ कई बड़े खुलासे किए हैं, जिन्हें सुन हर कोई हैरान है। हाल ही में चाहत खन्ना ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि साल 2018 में मुझे जज के रूप में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फोन आया था। उस दौरान मैं मुंबई एयरपोर्ट पर एंजल खान नाम की एक महिला से मिली। उसने कहा कि वो मेरे साथ प्रोग्राम में आएगी। जब हम दिल्ली में उतरे तो हमने स्कूल जाने के लिए कार ली, लेकिन थोड़ी देर बाद हम अचानक रुक गए और उसने कहा कि हमें कार बदलनी होगी क्योंकि इसे स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हम फिर एक ग्रे इनोवा में चले गए और कुछ सेकंड के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम तिहाड़ जेल के बाहर हैं। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि हमें जेल के रास्ते स्कूल में जाना है। चाहत ने बताया कि इसके बाद कमरे में उनसे एक आदमी मिला जिसने खुद की पहचान शेखर रेड्डी के तौर पर बताई। उसने एक फैंसी शर्ट पहन रखी थी, बहुत साफ परफ्यूम छिड़का हुआ था और सोने की चैन पहन रखी थी। उसने खुद को एक पॉपुलर साउथ टीवी चैनल के मालिक और जयललिता के भतीजे के तौर पर पेश किया। साथ ही उसने कहा कि वो मेरा टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं देखता है। फिर मैंने उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को घर पर छोड़ रखा है और यहाँ मैं एक कार्यक्रम है ये सोच कर आई हूँ। वो घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उसने कहा कि मेरा पति मेरे लिए सही आदमी नहीं है और वो मेरे बच्चों के पिता बनेंगे। आखिर में चाहत खन्ना ने कहा कि हम दोनों ने जेल में 20 से 25 मिनट बिताए थे, जिसके बाद हम सीधे एयरपोर्ट गए और रास्ते में मुझे एंजल ने करीब 2 लाख रुपए दिए और बताया कि सुकेश मुझे पसंद करता है। इस घटना के बाद सुकेश ने मुझे 2 से 3 बार फोन भी किया। उसका कॉल इंटरनेशनल नंबर उससे आता था। इसके साथ ही उसने दावा किया था कि इसमें मेरे पति भी शामिल थे। उसकी कॉल लगभग 1 मिनट तक चलती थी और वो मेरे बच्चों के बारे में पूछता था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।